पन्ना के इंद्रपुरी में पकड़ा गया 829 लीटर नकली देसी घी। आपको बता दें कि पन्ना शहर के इंद्रपुरी कॉलोनी में विगत दिवस जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें कलेक्टर पन्ना और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के चलते 829 लीटर नकली घी देसी जब्त किया है, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 5,80,000 रुपए बताई जा रही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश राय की जुबानी पूरे मामले की कहानी। सर, एक मिलावटी घी का प्रकरण आया था, तो लैब से क्या रिपोर्ट आई है और आगे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये घटना दिनांक 30 जून 2024 की है। दोपहर के समय हमारे अभियत अधिकारी से हमें सूचना मिली कि कलेक्टर साहब ने कहीं कार्रवाई के लिए भेज सकते हैं, आप लोग तैयार रहिएगा, चूँकि छुट्टी का दिन था। उन्होंने पहले से पता लगा लिया था कि मुख्यालय पर है कि नहीं। शाम को 4 बजे हमें सूचना मिली कि हमें पुलिस के साथ घटनास्थल पर जाना है। रास्ते में हमें TI साहब मिले, उनके साथ घटनास्थल पर पहुँचे, तो वहाँ पर हमने देखा कि 55 डिब्बों में संदेहास्पद घी रखा हुआ है, जो कि 15 लीटर के हैं। शेष 2 डिब्बे और थे जो 5-5 लीटर के थे। उनमें से हमने रेंडमली 3 डिब्बों में से घी के नमूने लिए हैं, नियमानुसार लिए। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया, वहाँ से 10-12 जुलाई के बीच में रिपोर्टें प्राप्त हो गई। तीनों ही रिपोर्टों में नमूना मिलावटी पाया गया है और इसमें इसके रिपोर्टों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें डालडा की मिलावट या वनस्पति की मिलावट पाई गई। क्या कितना ये मिलावटी घी है और आगे क्या कार्रवाई होगी? इसमें 829 किलोग्राम की जब्ती है और इसकी कीमत 5,80,300 रुपये है। इसमें प्रकरण में विवेचना हो चुकी है, जो भी आवश्यक दस्तावेज आरोपी से मिल सकते थे वो मिल गए हैं। शेष दस्तावेज, 1-2 दस्तावेज और हो सकते थे लेकिन उसने नहीं दिए हैं, तो हमने इसी आधार पर प्रकरण तैयार करके, क्योंकि इसमें सजा का भी प्रकरण बनता है, बिना लाइसेंस के कारोबार कर रहा था, तो हमने अभियोजन स्वीकृति के लिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन मध्य प्रदेश भोपाल को भेज दिया है। कहाँ का है आरोपी, कौन है, क्या पहले भी इसके ऊपर कोई मुकदमा इस तरीके का चल चुका है? आरोपी द्वारा दिए गए दस्तावेजों से और दिए गए कथन से स्पष्ट है कि आरोपी बांदा जिले का है और अन्य लोगों ने मुझे, जैसे कि जैसा मुझे अप्रत्यक्ष रूप से पता लगा है कि ये 10-15 साल से इस प्रकार का धंधा कर रहे थे। पूर्व में भी 2012-13 में एक प्रकरण बना था, जिसमें 25 मार्च 2015 को इनके ऊपर जुर्माना हुआ था और मिलावटी खाद्य सामग्री का ही प्रकरण था। आगे आपकी आगामी कार्रवाई आप कौन करेंगे? आगामी कार्यवाही अभियोजन स्वीकृति के लिए आयुक्त महोदय के कार्यालय को भेजा गया है, वहाँ से जैसे ही अभियोजन स्वीकृति मिल जाएगी प्रकरण मैं न्यायालय में प्रस्तुत करूँगा। आपका नाम और पद? मैं राजेश कुमार राय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।